के नए ट्रैक लगाना, सिग्नलिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स करना, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाना, कवच का इंस्टॉलेशन, ये सारी करना, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाना, कवच का इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें, सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज़, इन सब के लिए 1,08,000 करोड़ का बजट एलोकेशन इस बजट में है। जो 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए एक फोकस्ड वे में मेहनत के साथ जो काम किया है, उस काम को आगे ले जाने की भी इस रेलवे बजट में फोकस है। कैसे? आप देखेंगे 2014 से पहले के 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। इन 10 वर्षों में 40,000 40,000 किलोमीटर्स रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, यानी 60 इयर्स में 20,000 किलोमीटर्स और 10 इयर्स में 40,000 किलोमीटर्स का इलेक्ट्रिफिकेशन। वैसे ही 2014 में ऑन एन एवरेज 4 किलोमीटर पर डे न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन होता था, 4 किलोमीटर्स अ डे। लास्ट फाइनेंशियल ईयर रेलवे इज कंस्ट्रक्टेड 14.5 किलोमीटर्स अ डे, यानी एक साल में 5,300 किलोमीटर्स न्यू ट्रैक्स। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन, सारे जो बॉटलनेक्स हैं उनको रिमूव करना, रेलवे के इंजन्स की और कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी लेके आना, ये सारे के सारे जो 10 वर्षों में काम हुए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म में, आज के इस बजट से इस थर्ड टर्म में भी इसी तरह से रेलवे को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला है, बहुत बड़ा आगे बढ़ने का एक मौका मिला है। आप सब परिचित हैं कि रेलवे लो इनकम और मिडिल इनकम परिवारों की सवारी है। इसी भावना के साथ हमेशा से जनरल कोच और एसी कोच का एक रेशियो मेंटेन हुआ है, 1/3 AC 2/3 है पिछले कई वर्षों से। आज के इस बजट में बहुत बड़ी एक डिमांड थी इंडस्ट्री की, जो कस्टम्स ड्यूटी है उसको रैशनलाइज करने की, आज वो बजट में अनाउंस हुआ है। थैंक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इंडस्ट्री की इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार करके आज बजट में अनाउंस किया है। इससे जो हमारा कंपोनेंट इकोसिस्टम है वो सिग्निफिकेंटली डेवलप होगा। दूसरा, डिजिटल इंडिया के माध्यम से जिस तरीके से एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, लॉजिस्टिक्स में इंक्लूडेड है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाना, टेलीकॉम के टावर लगाना, लोकों पे लगाना कवच को, सिग्नल के साथ इंटीग्रेट करना, डेटा सेंटर बनाना स्टेशन पे, ट्रैक के ऊपर कवच के जो RFID डिवाइसेस लगने, वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो अपने को इन सब पे पैरेलल में